श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धनतेरस के दिन प्रदोष पड़ रही है, बहुत सालों बाद ऐसा विशेष मौका मिला है कि धनतेरस भी उसी दिन है और प्रदोष भी उसी दिन है, तो आप लोग मौका मत जाने दो। मैं तो नहीं जाने दूंगी, मैं भी करूंगी इन उपायों को, तो आप लोग भी करिए। बहुत अच्छे उपाय, तीनों उपाय बहुत विशेष और बहुत खास है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक विशेष बात और थी, धनतेरस के दिन अगर आप पूजा अर्चना करते हैं और पूजा सभी लोग करते हैं, तो कुछ आवश्यक सामग्री गुरु जी ने विशेष बताई थी, जो मैंने वीडियो डाल रखी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत कर देते। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। देखिए पहला उपाय, अगर जीवन में बहुत अटकल है, बहुत परेशान हो आप, आपका कोई कार्य बनता ही नहीं है, नहीं हो पा रहा है कार्य, तो आप इस उपाय को जरूर करो, बहुत अच्छा उपाय। देखिए क्या करेंगे, आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल। जी हाँ, विशेष इसमें आपको सरसों का तेल लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल। और आपके घर में, आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, जितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, बस रुद्राक्ष होना चाहिए, उस रुद्राक्ष को आपको उस कटोरी में जिसमें सरसों का तेल लिया है उसमें डाल लीजिए। ठीक है, यह विशेष उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है, धनतेरस की प्रदोष पर। आप क्या करो, उस रुद्राक्ष को तेल में डालकर उस रुद्राक्ष को आपके घर के आसपास जहाँ भी शनि मंदिर हो, जी हाँ शनि मंदिर बहुत नजदीक लोगों के घर के आसपास रहता ही रहता है, तो आप लोगों को पता होगा आपके घर के आसपास कहाँ पर शनि मंदिर है, आप वहां उस कटोरी वाले तेल को, अच्छा ये तेल आपको आपके घर में सरसों का तेल जो रखा हो ना उसमें से लीजिएगा, और सरसों के तेल को, रुद्राक्ष वाले तेल को आपको शनिदेव के ऊपर अपनी कामना बोलते हुए, अपनी परेशानी बोलते हुए, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो वह बोलते हुए समर्पित कर दो। ठीक है, समर्पित करने के बाद उस रुद्राक्ष को भी समर्पित किया आपने, आज जोड़कर झोली पसार के प्रार्थना करो, कामना बोलो, फिर क्या करो, उस रुद्राक्ष को उठा लेना, क्योंकि उस रुद्राक्ष को उठा के वापस घर ले आना, उस रुद्राक्ष को साफ करके पानी से धो के फिर अपने पास रख लो, क्योंकि रुद्राक्ष का तेल समर्पित करना है इसमें विशेष उपाय। बस इतना सरल उपाय है, आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा तेल चाहिए जरूर कीजिएगा। दूसरा उपाय यह है विशेष, वैसे आप लोग प्रदोष पर मैं वीडियो डालती हूँ, क्योंकि इस उपाय, यह उपाय बहुत अच्छा होता है, विशेष होता है, इस उपाय को हर प्रदोष पर करना चाहिए हमें। कोई कामना हो, विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, जीवन में बहुत अटकलें हैं, बहुत परेशान हो, तो बाबा से आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय यह उपाय जरूर करो। क्या करेंगे, आपको चाहिए थोड़ा सा एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा जल ले लीजिए, जल के अंदर आपको डालना है 4-5 हरा मूंग डाल लिया, एक समी पत्र डाल लिया, ठीक है, थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, गुड़ डालने के बाद आपको उसमें ही एक बेलपत्री डालना है, वैसे 5 बेलपत्री डाली जाती है पर 5 नहीं मिल पाए तो एक बेलपत्री तो अवश्य डालना है, और इसको आपको प्रदोष काल इस बार शाम 5:45 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो ठंड के दिनों में तो 5:45 बजे से आप कभी के बाद इस उपाय को कर लेना, जल लेके जाओ महादेव के मंदिर और पूरा की पूरा जल उंडेल दो, और उंडेलने के बाद जो बेलपत्री है, जो हरा मूंग है, गुड़ है, वो भी समर्पित कर दो, बहुत सरल उपाय जरूर करना। अब तीसरा उपाय तो आपको घर में भी कर सकते हो, अगर आपके घर में बेलपत्री का झाड़ पेड़ लगा है तो घर में कर लो, और नहीं है तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का वृक्ष आपको मिल जाए वहां कर लो। क्या इस उपाय विशेष उन लोगों के लिए है कि आप आपके घर में किसी व्यक्ति से बहुत परेशान हो, उसके गुस्से से परेशान हो, उसके नेचर से परेशान हो, उसके व्यवहार से परेशान हो, आपकी बात वो नहीं मानता है और आप परेशान हो गए हो, उसके कारण आपके घर में खुशियां नहीं आ पाती है, तो आप उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को करो। क्या करेंगे, आपको चाहिए एक पान का पत्ता, जी हाँ एक पान का पत्ता, उसके ऊपर थोड़ा सा एक शहद लगा दीजिए, पान के पत्ते के ऊपर एक बूंद शहद टपका दीजिए, शहद टपकाने के बाद अब आपको उसी पान के पत्ते के ऊपर 7 आखा चावल समर्पित करना है, यानी रखना है, 7 आखा चावल रख दीजिए। इतना किया आपने, फिर आप क्या करो, सीधे हाथ की हथेली के बीच में थोड़ा सा जल लो और उस व्यक्ति के नाम से उसके बारे में बोलकर छोड़ दीजिए, बस इतना सा करना है, आप देखना उस व्यक्ति का व्यवहार नेचर बदल जाएगा और आपके घर में भी खुशियां आना शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छे उपाय है, प्रदोष काल में करना जरूर करना।